में आप सभी का स्वागत है। पुलिस ने बंगलुरु से नाइजीरिया के दो नागरिकों समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए। पुलिस ने बंगलुरु में 2 अलग अलग जगहों पर छापे मारे। वहां आरोपियों को एक्सटेसी की गोलियां, MDMA, LSD, मारीजुआना, कोकीन और यावा के साथ पकड़ा है। पहले मामले में पुलिस की एक टीम ने शहर के येलहाका इलाके में मौजूद एक घर पर छापा मारा और एक नाइजीरियाई नागरिक और केरल के 4 लोगों को गिरफ्तार कर 55 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त किया। खबर के मुताबिक नाइजीरियाई नागरिक टूरिस्ट वीजा पर आया था और यहां अवैध गतिविधियों में लिप्त हो गया। दूसरे मामले में हेरामावू इलाके से एक और नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया और उसके पास से 50 लाख रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया। ये थी बंगलुरु से हमारे सूत्रों की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।